जब भी हम मार्केट से मशरूम लाते हैं तो सबसे बड़ा काम हमें इसे साफ़ करना रहता है। तो आज हम ऐसा मेथड बताएंगे जिससे कि मशरूम हमारा मिनटों में एकदम साफ़ हो जाए। चलिए देखते हैं इसे साफ़ करने का तरीका। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसे क्लीन करते हैं। जब भी आप कुकिंग के लिए मशरूम खरीदें तो ये ध्यान रखें कि एकदम फ्रेश होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यह हमेशा एक झिल्ली में रैप करके आता है। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही गंदा है। हम इसे एक टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे या सॉफ्ट कपड़ा हो उससे भी आप साफ कर सकते हैं। आप एकदम हल्के हाथों से इसे पोंछें। आप इसी तरह सभी मशरूम को क्लीन कर लीजिए टिश्यू पेपर से। देख सकते हैं कितना इसमें मिट्टी निकल रहा है। इसी तरह हम सभी मशरूम साफ कर लेंगे। हमने इसी तरह सभी मशरूम को पोंछ लिया है टिश्यू पेपर से। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से इसे एकदम पतला लेयर इसका निकाल देंगे। देखिए, और ये मशरूम के ऊपर एक पतला लेयर रहता है। आप इसे आप चाकू से एकदम हल्के हाथों से इसे निकालिए। देख रहे हैं आप कि एकदम क्लीन हो रहा है। एकदम हल्के हाथ से निकालना है इसको। एकदम मशरूम क्लीन हो जाएगा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा। ऐसा करने से हमारा मशरूम के ऊपर की जो भी गंदगी लगी रहेंगी वो एकदम क्लीन हो जाएगी, मशरूम एकदम साफ हो जाएगा। आप इसे एक पानी से ही धोएंगे तो ये क्लीन हो जाएगा, ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। और बिल्कुल छिलके में ये नहीं आ रहा, देख सकते हैं मशरूम एकदम पतला छिलका है इसका। और इधर साइड से भी थोड़ा थोड़ा इसको इस टाइप का कर देंगे, एकदम क्लीन हो जाएगा। ये पानी से बहुत मुश्किल से निकलता है। और इसे आप थोड़ा थोड़ा खरोच दीजिए। बाउल में डाल देंगे, हम दूसरा मशरूम साफ करेंगे इसी तरह। ये बहुत आसानी से निकल रहा है, देख रहे हैं एकदम पतला। यहाँ से किनारे से पकड़ना है और ऐसे घीच देना है। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं और मशरूम मिनटों में साफ़ कर लें। एकदम वाइट हो गया है मशरूम, इधर से हल्का हल्का खरोच दें, जो भी गंदगी है निकल जाएगी।
इसी तरह हम सभी मशरूम को साफ़ कर लेंगे चाकू की सहायता से। हमने चाकू की सहायता से इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है एकदम छिलके। चलिए अब हम इसे धो लेते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल पानी लिया है। आप इसे अच्छे से मसल मसल के हल्के हाथों से इस मेथड से बहुत जल्दी मशरूम साफ हो जाता है। हम इसे एक और पानी धो लेंगे। हम दूसरा बाउल में पानी ले लिए हैं। अब हम इसमें इसको धो लेंगे। देख सकते हैं अब पानी गंदा नहीं हो रहा है, मशरूम एकदम क्लीन हो गया है। अभी सब्जी बनाने के लिए एकदम तैयार है। देखिए कितना क्लीन हो गया है मशरूम दो पानी धोने से ही। अंदर तक इसकी मिट्टी निकल गई है। इस तरह से आप मशरूम को साफ कीजिए और इसकी सब्जी बनाइए। आपको मशरूम क्लीन करने का मेथड पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।